हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपसे ये कुछ हेयर एक्सेसरीज, जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल खुद क्रिएट कर सकते हो, खुद से बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल आप बना सकते हो। और किसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, किसका यूज़ किस तरीके से करके किस तरीके का हेयर स्टाइल क्रिएट किया जा सकता है, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये सारे के सारे मुझे कॉम्बो में रिसीव हुए थे, और इसमें मुझे रिसीव हुए हैं ये 3 डोनट बन। इसे कहते हैं डोनट बन, जिसे आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके की है। इसमें वो मोटा वाला नेट है, तो नेट की हेल्प से ये बनाया गया है। इसमें 3 साइज है, ये पहला वाला है, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद एक मीडियम है, और उसके बाद उससे छोटा है। नेक्स्ट आते हैं जो कि मिला है मुझे ये। इसका इस्तेमाल हम करते हैं पफ बनाने के लिए। आप या तो फ्रंट में भी इसे पफ बना सकते हो, इससे बहुत अच्छा पफ बनता है, या फिर आप साइड में भी बनाओगे। मैं सबका यूज़ करके आपको हेयर स्टाइल बनाकर दिखाऊंगी कि किसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो ये 2 रिसीव हुए थे, एक बड़ा है और एक छोटा है। आते हैं दूसरे पे। तो ये दूसरा मुझे ये पफ मिला है, इसका यूज़ आप सब बहुत करते होंगे। फ्रंट पफ बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपको पफ बनाने नहीं आता है तो इसका यूज़ करके आप बहुत अच्छा पफ क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है जो कि है ये बनाना पफ मेकर, और इसके दोनों साइड आप देखोगे तो इस तरीके की कुछ नेट लगी हुई है, जिसे आप बाल पर अगर रखते हो तो आपको किसी क्लिप की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक आपके बाल में फंस जाता है और अच्छे से ये सेट हो जाता है। तो इसकी हेल्प से भी आप पफ बना सकते हो। तो चलिए फिर पहला हेयर स्टाइल हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, देखते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं ले रही हूँ ये पफ, और आपको जितना पफ चाहिए उस हिसाब से आप बाल ले लें। आप इतना चाहे तो कम लें, चाहे तो ज़्यादा लें, आपके फेस के अकॉर्डिंग। अगर आपका चेहरा बड़ा है तो आप थोड़ा ज़्यादा लें, कम है छोटा सा है तो आप छोटा सा लें। तो इस तरीके से सेक्शन निकाल लें सामने से, उसके बाद आपको लेना है ये पफ मेकर, और आपको अपने बाल के पीछे रखना है। बाल को आगे की तरफ पुश करते हुए इस तरीके की आपको जितना हाई पफ चाहिए उतना हाई पफ आप बना सकते हो। और इसकी हेल्प से हेयर स्टाइल क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हो कि कितना आसान था इससे पफ बनाना। आप चाहो तो बाल को ऐसे खोल कर भी रख सकते हो, या फिर आप इस तरीके की एक क्लचर लगा कर भी छोड़ सकते हो। इस तरीके से भी आप बहुत अच्छा हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा लगता है, सिंपल एलिगेंट और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है। तो पहला तो हो गया ये, इसके हेल्प से मैंने ऐसा कुछ करके देखा है। आप चाहें तो इसके बाद एक हाई पॉनीटेल भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा इस पर। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे की तरफ। तो ये है कुछ इस तरीके का पफ, और ये कुछ फ्लैट टाइप में है। तो इसका यूज़ हम साइड पफ बनाने के लिए कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फ्रंट पफ भी आप बना सकते हो जैसा आप करना चाहो। तो साइड में मैं इस तरीके से पफ को रखूंगी, और क्लिप है तो इसमें ज़्यादा कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बालों में अच्छे से सेट हो जाता है। और साइड से सेक्शन निकाल कर मैंने कुछ इस तरीके के कर दिया है। तो बस इसकी हेल्प से भी बहुत अच्छा आप लुक क्रिएट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे हेयर स्टाइल की तरफ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये बनाना पफ मेकर। इसकी हेल्प से आप बहुत ज़्यादा हाई पफ बना सकते हो। पहला वाला जो पफ मेकर था उसमें आप बहुत फ्रंट सेक्शन से पफ निकाल कर बहुत अच्छे से आप पफ बनाते हो, वो सामने से दिखता है। लेकिन इसमें जब आपको कुछ एकदम पॉइंटेड पफ चाहिए होता है, कुछ ब्राइडल हेयर स्टाइल करना हो, जुड़ा हेयर स्टाइल करना हो, तो इसका यूज़ करके आप बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बालों का एक सेक्शन निकाल लिया था, फ्रंट सेक्शन, उसके बाद बीच में जो बाल थे उसे पीछे कर दिया है, और उसके बाद इस तरीके से बालों के बीच में रखते हुए मैंने अपने फ्रंट के बालों को उसके ऊपर ले जाकर और अच्छे से क्लिप से सिक्योर कर दिया है। सामने से मैं थोड़े थोड़े बालों को निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे सामने से बहुत ज़्यादा फ्लैट लग रहा था। मेरा हेड जो है वो फॉरहेड जो है वो काफ़ी ब्रॉड है, तो वो अच्छा नहीं दिख रहा था। तो इस तरीके से पॉइंटेड आप पफ बना सकते हो। आपको चाहिए काफ़ी हाई पफ चाहिए तो इस तरीके का बनाना पफ मेकर आप ले सकते हो, और उसकी हेल्प से बहुत अच्छा सा एक पफ आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर मेरे बाल थोड़े से फ्लैट लग रहे हैं, तो मैं इस तरीके से वहाँ से बालों को कुछ आगे की तरफ पुश करूँगी, जिससे मेरे पफ और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट इसी में मैं दूसरा हेयर स्टाइल और करूँगी। मैं यूज़ करूँगी लास्ट हेयर एक्सेसरीज़ जो कि है मेरा ये डोनट, और डोनट का यूज़ करके मैं एक जूड़ा बनाऊँगी। तो मैंने
बालों को एक अच्छा सा पॉनीटेल बना लिया है। आप यहाँ पर पीछे देखोगे मैंने इस तरीके से बनाया है, उसके अंदर में ये डोनट हम रखेंगे और अपने बालों को इस तरीके से हम फैलाकर उसे ऊपर से रबर बैंड से सिक्योर कर देंगे। इसके बाद से जितने बाल हमारे बचे हुए हैं उसे अच्छे से हम ट्विस्ट करते हुए डोनट के चारों तरफ इस तरीके से घुमाएंगे और क्लिप की हेल्प से उसे सिक्योर कर देंगे। बस सिंपली आपको लेना है और इस तरीके से सिक्योर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक आर्टिफिशियल गजरा और गजरा के दोनों साइड पे मैंने जूड़ा पिन लगाया है और अच्छे से अपने बाल के ऊपर में इस तरीके से बस लगा दिया है। तो बस इतना आसान है इन सब का इस्तेमाल करना। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।